अब जो बच्चों बीम है हमारे पास, ये बीम है भाई लेटरली रिस्ट्रेंड बीम। कि लेटरली रिस्ट्रेंड बीम क्या होता है? लेटरली रिस्ट्रेंड बीम एंड नोन एज ए लेटरली सपोर्टेड बीम। इसका दूसरा नाम क्या भाई? लेटरली रिस्ट्रेंड बीम का लेटरली सपोर्टेड बीम भी कहते हैं इसको। ये रहा हमारे पास डायग्राम, समझ से एक आई बीम आई सेक्शन है, कनेक्टेड है हमारी कंक्रीट स्लैब के साथ। तो ये क्या है? हमारा लेटरली रिस्ट्रेंड बीम है बच्चों, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं इसको। व्हेन लेटरल डिफ्लेक्शन ऑफ द कंप्रेशन फ्लैंज ऑफ ए बीम इज प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग लेटरल सपोर्ट द बीम इज सेड टू बी लेटरली रिस्ट्रेंड। ठीक है, देखो भाई, जब लेटरल डिफ्लेक्शन हमारी कंप्रेशन फ्लैंज जो होती है बीम की, ठीक है, जब हमारी लेटरल डिफ्लेक्शन कंप्रेशन फ्लैंज पे होगी किसी भी बीम की, उसको प्रोवाइड करने के लिए हम लेटरल सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो बीम क्या कहलाता है? हमारा लेटरली रिस्ट्रेंड बीम और लेटरली सपोर्टेड बीम। कंप्रेशन फ्लैंज के ऊपर लेटरल डिफ्लेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए लेटरल सपोर्ट प्रोवाइड करना, वो कहलाएगा लेटरली रिस्ट्रेंड बीम। एंड टेंडेंसी ऑफ द कंप्रेशन फ्लैंज टू बकल इवन अंडर द एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस विल बी प्रिवेंटेड। देखो भी टेंडेंसी क्या होती है यहाँ पे कंप्रेशन फ्लैंज की, वो बकल हो जाती है किसके अंडर? कंप्रेसियल स्ट्रेस के अंदर बकल हो जाएगी, ठीक है। और जो हमारी किसके अंदर होती है? एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस के अंदर हमारी ये बकल हो जाती है और स्ट्रेस भी हमारी वहाँ पे प्रिवेंट हो जाती है, जैसे ये बकल होगी। बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस इज टेकन इक्वल टू द परमिसेबल बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस। जो हमारी बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस है हमें उसको कितना लेना है, किसके इक्वल लेनी है? वो हमारी परमिसेबल बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस के बराबर रहेगी बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस। इफ द कंप्रेशन फ्लैंज ऑफ द आई सेक्शन बीम इज एनकेस्ड इन द कंक्रीट स्लैब थ्रू आउट इट विल बिहेव एज ए लेटरली रिस्ट्रेंड बीम, देयरफॉर इट्स कंप्रेशन फ्लैंज विल हैव नो टेंडेंसी टू बकल साइडवे। ये कहता है कि जो अब हमारी कंप्रेशन फ्लैंज है आई सेक्शन बीम की, वो एनकेस्ड है कंक्रीट स्लैब के अंदर। जैसे ये देखो, ये फर्क है बच्चों, इसका एक सेक्शन क्या है? कंक्रीट के अंदर है ना, तो वहाँ पर इसका बिहेव कैसा होगा? तो ये बिहेव करेगी लेटरली रिस्ट्रेंड की बीम की तरफ, खुद ही ऑटोमेटिकली बिहेव करेगी। और जो कंप्रेशन फ्लैंज की इस केस में कोई भी बकल होने की संभावना नहीं है, ठीक है। अब इसकी बेंडिंग मोमेंट प्रोसीजर क्या है भाई? देखो, बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस बेंडिंग स्टेट ई सेक्शन ऑफ द बीम वेयर मैग्नीट्यूड वेरीज फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टू द मैक्सिमम वैल्यू एट द एक्सटर्नल फाइबर बिलो एंड अबव टू द न्यूट्रल एक्सिस। देखो बच्चों, बेंडिंग मोमेंट जो प्रोड्यूस हुई है, बेंडिंग स्ट्रेस ने प्रोड्यूस करी है हर एक सेक्शन है जो बीम का, और उसके बाद जो मैग्नीट्यूड है वो वेरी करेगा भाई, जीरो से लेके जो न्यूट्रल एक्सिस हमारे मैक्सिमम वैल्यू का, कहाँ तक? एक्सट्रीम फाइबर्स अबव और बिलो जो है हमारे न्यूट्रल एक्सिस के, ठीक है। उसके बाद इफ़ द कंप्रेशन फ्लैंज ऑफ द बीम इज नॉट फुली रिस्ट्रेंड, देयरफॉर इफ इट इज नॉट सपोर्टेड लेटरली सपोर्टेड लेटरली थ्रू आउट इट्स लेंथ इट विल बकल साइड वे ड्यू टू कंप्रेसिव फोर्स इन द मेन डायरेक्शन। ये कहता है कि जो हमारी कंप्रेशन फ्लैंज है बीम की, वो फुली रिस्ट्रेंड नहीं है, तो इस केस में क्या होगा हमारा? तो लेटरली और लेटरली सपोर्टेड भी नहीं है हमारी थ्रू आउट लेंथ में। जो बकलिंग होगी वो कंप्रेसिव फोर्स की वजह से होगी मेन डायरेक्शन में। The buckling of the beam in this way would not be desirable and therefore be bending stress to be allowed in compression is kept less than the bending stress in the tension. देखो भाई, जो buckling हुई है beam के अंदर इस तरीके से, वो desirable नहीं है, तो हमें वहाँ पे क्या करना है? Bending stress को allow करना है compression के अंदर, कि वो less रहे हमारी जितनी भी bending stress है tension के अंदर, यानी कि जो tension में stress है उससे कम होनी चाहिए हमारी कंप्रेशन स्ट्रेस, जो अगर हमारे फेलियर या जो हमारी बकलिंग कंप्रेसिव फोर्सेस की वजह से हो रही है उसको कम करना है। सच बीम आर कॉल्ड लेटरली अनसपोर्टेड और लेटरली अनरिस्ट्रेंड बीम। इन बीम को क्या कहेंगे भाई? लेटरली अनसपोर्टेड और लेटरली अनरिस्ट्रेंड बीम। तो ये थे भाई हमारे पास लेटरली रिस्ट्रेंड बीम